दोस्तों, बांध, नहर अथवा नदी जल प्रवाह के प्रवाह को रोकने का एक अवरोध है तथा इसको कई परियोजनाओं के लिए उपयोग भी किया जा सकता है। बांध लघु, मध्यम तथा बड़े हो सकते हैं। बड़े बांधों का निर्माण करना ज्यादा मुश्किल होता है और इसमें अत्यधिक कार्य, शक्ति, समय तथा धन भी खर्च होता है। बांध का निर्माण कंक्रीट, चट्टानों, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी किया जा सकता है। भांगड़ा बांध, सरदार सरोवर, टिहरी बांध इत्यादि बड़े बांधों के उदाहरण हैं। दोस्तों, बांध ऐसी जगह बनाया जाता है जिस जगह पर पानी थोड़ा ढलान से बह रहा हो। अब बांध बनाने के बाद उसमें पानी जमा किया जाता है। बांध बनाते वक्त बांध में बहुत सारी नालियां छोड़ दी जाती हैं पानी निकलने के लिए। अब उन नालियों के नीचे पंखे लगाए जाते हैं और उन पंखों पर पानी गिरने की वजह से वो पंखे घूमने लग जाते हैं जो कि टरबाइन से जुड़े होते हैं। टरबाइन मतलब जो जनरेटर में बिजली बनाने का काम करते हैं। बस ऐसे ही बिजली बनती है बांध पर। जनरेटर में बिजली बनाने के लिए इंजन की ताकत का उपयोग करना पड़ता है और इसके लिए डीजल का खर्च करना पड़ता है, लेकिन बांध पर पानी की ताकत से बिजली उत्पन्न करते हैं जो कि फ्री में मिलती है। आइए बांध बनाने की प्रक्रिया को थोड़ा आसानी से और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, डैम बनाने की शुरुआत हमेशा सर्वे और प्लानिंग से होती है जो कि सबसे जरूरी काम होता है। इसके लिए इंजीनियर नदी की गहराई, चौड़ाई, मिट्टी और उस क्षेत्र में पिछले 50 साल में हुई बारिश का डेटा इकट्ठा करते हैं, जिसके बाद इंजीनियर डेटा के मुताबिक कंप्यूटर पर डैम का डिजाइन तैयार करते हैं और इसके मुताबिक ही आगे की प्लानिंग होती है। अब ये तो आपको भी मालूम होगा कि बहते पानी के ऊपर डैम बनना कितना मुश्किल होगा। डैम बनाने में वैसे भी कई सालों का समय लग जाता है और ऐसे में नदी का पानी बहाव के साथ लगातार बहता रहता है। इंजीनियर जरूरत के अनुसार अलग अलग तरीके प्रयोग में लाते हैं। अब जहां पर डैम का निर्माण होना है उसके आसपास अगर ऊंचे पहाड़ हैं तो इंजीनियर साइड से सुरंग बनाएंगे जिसको काफी मजबूती से बना जाता है और ये पहाड़ों से होती हुई आगे जाकर दूर उस नदी में मिल जाती है। इसके बाद सुरंग के अगले वाले हिस्से को पत्थर, कंक्रीट आदि से भरकर एक टेम्परेरी बांध बना दिया जाता है। ये एक तरह की दीवार होती है जो नदी के पानी को रोक लेती है और फिर धीरे धीरे जब पानी का लेवल बढ़ने लगता है तब पानी सुरंग से बहना शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरह सुरंग के दूसरे हिस्से में भी एक टेम्परेरी बांध बना जाता है। दोस्तों, अगर नदी के आसपास ऊंचे पहाड़ नहीं होते तब इंजीनियर बहती नदी के साइड से एक नहर यानी कि कैनाल बनाते हैं। ये नदी के बगल में ही बनाई जाती है और फिर से घूमकर नदी में ही मिल जाती है और फिर नहर के आगे पीछे दोनों हिस्सों पर सुरंग की तरह ही नदी के साइड पत्थर, गिट्टी, सीमेंट डालकर टेम्परेरी बांध बनाए जाते हैं। इस तरह के टेम्परेरी बांध पानी को रोक देते हैं जिसकी वजह से नदी का पानी नहर या सुरंग के जरिए निकल जाता है। इस तरह बीच में खाली जगह बन जाती है और उसमें जो पानी भरा रहता है उसे पंप के जरिए निकाल दिया जाता है। तो इस तरह जमीन खाली हो जाती है और जब डैम बनने के लिए सबसे पहले जमीन को खोदना पड़ेगा, फिर जमीन में मशीन के द्वारा कई सारे पोर करके कंक्रीट भर दी जाते हैं। ये पोर इतने पास में होते कि इससे एक अंडरग्राउंड दीवार बनकर खड़ी हो जाती है जिसे कुट ऑफ फॉल कहते हैं। इस दीवार का काम जमीन के नीचे से पानी लीकेज होने से रोकना है। इसके बाद समतल किए गए गड्ढे में कंक्रीट भरा जाता है। इसका बेस तैयार होता है। इसी बेस पर फिर डैम का फाउंडेशन बना जाता है। डैम का फाउंडेशन उसकी ऊपरी सिरे के मुकाबले बहुत चौड़ा होता है जिससे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन के पास आ जाता है और डैम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। डैम इतना ज्यादा नीचे से चौड़ा होगा उतना ही ज्यादा मजबूत होगा क्योंकि नीचे की तरफ पानी का प्रेशर ज्यादा रहता है। इसलिए हम लोग भी पानी की टंकी में नीचे पाइप लगाते हैं। फाउंडेशन बनाते समय इसमें कुछ अंदर टनल बनाई जाती है क्योंकि पूरी नदी के पानी को रोककर मोड़ दिया है। फिर भले ही हम पानी को नहर या सुरंग के जरिए घुमाकर फिर से नदी में पहुंचा रहे हैं, लेकिन बारिश के समय जब नदी का बहाव तेज हो जाता है और कई बार तो बाढ़ भी आ जाती है, ऐसी स्थिति में पानी रुकावटों को तोड़ते हुए कंस्ट्रक्शन साइट पर आ सकता है और ऐसे में कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो ऐसे में इससे बचने के लिए इंजीनियर ये स्लूज टनल बनाते हैं। जब नदी का बहाव तेज हो जाता है तो अतिरिक्त पानी को स्लूज टनल से निकाल दिया जाता है और इस तरह इंजीनियर स्लूज टनल के ऊपर डैम का काम करते रहते हैं। डैम के फाउंडेशन के ऊपर डैम के पिलर और बाकी का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इससे काफी ऊंचे और बड़े पिलर बनाए जाते हैं।
इनके नीचे में ढलान जैसी पट्टी बनाई जाती है जिसे स्पिल्स वे कहते हैं। ये स्पिल्स वे के रास्ते से ही डैम का पानी बहकर निकलता है। स्पिल वे के नीचे के छोर को थोड़ा घुमावदार बना जाता है, लेकिन गिरता हुआ पानी डैम के बेस पर सीधा न टकराता हुआ थोड़ा घूम कर जाए। साथ साथ डैम के आगे और पीछे की जमीन को भी समतल किया जाता है और उस पर गोल पत्थरों की परत बनाई जाती है। इससे पानी के बहाव से डैम की मिट्टी नहीं बहती है। दोस्तों, जहां डैम का मेन स्ट्रक्चर बन रहा होता है उसी के पास एक वर्कशॉप भी बनाई जाती है। यह डैम की बाकी की चीजें जैसे डैम के गेट को बनाया जाता है। डैम का गेट सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसके द्वारा ही डैम से बहने वाले पानी को कंट्रोल किया जाता है। आजकल ज्यादातर रेडियल गेट का प्रयोग किया जाता है। इसका डिजाइन हाई प्रेशर को झेलने के लिए सही होता है। ये गेट बहुत बड़ा होता है और इसे मशीनों की मदद से पिलर के बीच में ऐसे फिट किया जाता है जिससे ये उसके बीच में फंस जाता है। अगर डैम से बिजली भी बनाई जाए तो इसी समय पिलर के बीच से डैम के गेट को न लगाकर बड़ी बड़ी अंडरग्राउंड पाइप को लगा देते हैं जिन्हें पेनस्टॉक कहते हैं। इन पाइप के द्वारा पानी तेज स्पीड के साथ एक टरबाइन चैम्बर में पहुंचाता है जो कि एक टरबाइन को घुमाता है। इसमें एक जनरेटर कनेक्ट रहता है जो कि टरबाइन के साथ घूमता है और इसी से बिजली बनती है। काम पूरा होने के बाद जो स्लूज टनल बनाई होती है उन्हें कंक्रीट से भर दिया जाता है। यहाँ कुछ स्लूज टनल में एक छोटा सा गेट लगा दिया जाता है जिसे स्लूज गेट या फिर फ्लड गेट कहते हैं, क्योंकि नदियों में हमेशा साफ पानी नहीं बहता है। इसलिए कुछ समय बाद डैम के पानी भरने वाली साइड में मिट्टी और काई जमा होने लगती है जो कि डैम को जाम कर सकती है। इससे बचने के लिए समय समय पर स्लूज गेट को खोल देते हैं। ये बिल्कुल नीचे की तरफ बने होते हैं और इससे नीचे जमा गंदगी निकल जाती है। ऐसे में डैम कभी जाम नहीं होता है। डैम के ऊपरी साइड पर एक रोड बना जाता है जिससे इसकी देखरेख आसानी से की जा सके। जब डैम का सारा स्ट्रक्चर और सीमेंट अच्छे से सेट हो जाते हैं तब सारे एरिया को खाली करवा दिया जाता है और उस समय डैम के सारे गेट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद डैम के पानी को रोकने के लिए जो रुकावटें पहले बनाई थी उन्हें धीरे धीरे तोड़ा जाता है जिससे डैम में पानी भरना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो सुरंग और नहर पानी मोड़ने के लिए बनाई गई थी उसे भी मिट्टी और कंक्रीट से भर दिया जाता है। इससे पूरा पानी डैम की ओर चला जाता है और डैम का एक हिस्सा पानी से भर जाता है जिसे जलाशय कहते हैं। इसके बाद डैम के कुछ गेट खोल दिए जाते हैं जिससे पानी निकलता रहता है और जलाशय भी भरा रहता है। जब नदी में बाढ़ आती है तब गेट ज्यादा खोल दिए जाते हैं ताकि डैम का पानी ऊपर से ओवरफ्लो होकर न निकल जाए। तो दोस्तों, इस तरह डैम बनकर तैयार होते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।